गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 11 वीडियो के क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पे है। तो क्वेश्चन क्या रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे कि आप पिछले वीडियो में देख चुके थे, इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन तो हम लोग याद है, मानते थे इसमें कि मान 1/x बराबर a, और देखिए यहाँ 1/ नहीं y है, यहाँ सिर्फ y है, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर b मान लेंगे। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4a प्लस में 3b बराबर में 14, पहला समीकरण। उसी तरह से यहाँ से आ जाएगा सेकेंड, आ जाएगा 3a माइनस का 4b और बराबर में 23, ये समीकरण दो। क्या करेंगे तो समीकरण एक में गुना कर देंगे 4 से और समीकरण दो में गुना कर देंगे 3 से, ताकि यहाँ भी 12b हो जाए और यहाँ भी 12b हो जाए। चलिए तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे कि समीकरण एक में 4 से तथा समीकरण दो में 3 से गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करिएगा तो हो जाएगा 16a प्लस में 12b और बराबर में 14, चौका क्या हो जाएगा 56। अब यहाँ 3 से समीकरण 2 में करना है तो हो जाएगा 9a माइनस 12b और बराबर में 69, यही ना आएगा। चलिए अगले स्टेप में ये प्लस माइनस में कट जाएगा, 16 और 9 होता है 25 है, और बराबर में इसको जोड़ देते हैं तो आ जाएगा यहाँ 125, है ना, यानी कि a बराबर आ जाएगा 125 बट्टा में 25। कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी कि a का मान आ गया 5। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण एक में रखने पर। चलिए तो समीकरण एक क्या है आपका, 4a प्लस 3b बराबर 14, 4a प्लस में 3b बराबर में 14। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एक जगह पे 5 और प्लस 3b बराबर में 14, 14 है ना। चलिए तो यहाँ पंचों का 20 हो जाएगा ना, तो 20 प्लस में 3b और बराबर में है 14, 3b बराबर हो जाएगा 14 और माइनस में 20, यानी कि 3b बराबर आ जाएगा माइनस का 6, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं b बराबर माइनस 6/3, कट जाएगा दो बार में ना, यानी कि यहाँ से आपका b का मान आ गया -2। लेकिन आपको तो x y का निकालना है, तो चूंकि आपके पास 1/x बराबर था a और y बराबर है आपका b, ये ना था, y को हम लोग b माने थे, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1/x बराबर में a का वैल्यू 5 आया है ना, और y बराबर हो जाएगा -2, तो y का तो यही मान हो जाएगा। यहाँ से तीसरा गुणा करेंगे तो 5x बराबर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 डाल सकते हैं नीचे, यानी x बराबर आ जाएगा 1/5, तो x बराबर 1/5 और y बराबर -2, समझ गए। अब चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट मेथड से भी देख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट बनाने के लिए कुछ नहीं, इसको समीकरण एक ले लीजिए, इसको समीकरण दो ले लीजिए, इसमें गुणा कर दीजिए 4 से, इसमें गुणा कर दीजिए 3 से, तो यह जगह 16/x प्लस 4 × 12y और 14 × 56, यहाँ भी उसी तरह से 9/x माइनस का 12y है ना, और बराबर में आपका 69। देखिए ये प्लस माइनस में है, कट गया, 16 × 25/x बराबर में 125। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी x इसमें जब जाके गुना कर देगा, नहीं तो कुछ नहीं तो नीचे एक डाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 125x बराबर में 25, यानी कि x बराबर 25/125, कितना जाएगा 1/5, तो x का वैल्यू 1/5 आ गया। अब यहाँ लिख दीजिए कि x का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक है क्या आपका, तो है 4/x प्लस में 3y बराबर में 14, ठीक है, 4/x से जगह 1/5 दे दीजिए और प्लस में 3y बराबर में 14, ये 5 जाके ऊपर गुणा करेगा ना, कितना हो जाएगा, आ जाएगा 5 × 20 और प्लस 3y बराबर में 14, तो 3y बराबर हो जाएगा 14 − 20, है ना, यानी कि यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा, 3y बराबर में -6, यानी कि y बराबर -6/3, कट गया दो बार में, यानी कि y का -2 आ गया और x का 1/5, देखिए तो सेम आ गया कि नहीं। चलिए इसका आप 4